तो अभी हम लोग हैं जयपुर में और सब लोग फ्रेश हो चुके हैं और अभी हम लोग निकलते हैं बकरों को देखने के लिए। अभी सुबह का नाश्ता भी हम लोगों ने नहीं किया है और टाइम हो रहा है 8:30। हम रात को यहाँ पर 3:30 बजे पहुँचे हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है, थकान खत्म हो गई नहा धो के। बस अभी निकलते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं आज के व्लॉग में आप लोगों के लिए क्या क्या हम लेकर आ सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे और फिर हम जाएंगे इमरान भाई के पास, इमरान जोटवाला के पास, और उनके फार्म को देखते हैं कि कैसे कैसे बकरे उनके पास हैं इस बार। क्या क्या लिया भैया? और भी ला रहा कुछ दर जलेबी और जो क्या है लस्सी लस्सी इमरान भाई जोटवारा, इनका फार्म है माशाल्लाह। इस तरफ का सेटअप है इनका, इधर बच्चे हैं छोटे, उस तरफ बड़े बकरे हैं और ये है अपना माशाल्लाह। हाथ भी जाने का हमारा ध्यान भी करते जा रही बात कुछ भी, लेकिन फार्म की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत सुकून की जगह। पंच कर दिया जा। तो अभी हम हैं इमरान भाई के फार्म पर और मैंने इनकी सेलिंग के बकरों की वीडियो अलग से बना ली है, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है। अभी हमें जंगल भी घूमना है तो वहाँ की भी थोड़ी बहुत ही क्लिप लगाऊंगा मैं, तो ये व्लॉग के लिए मैं अलग से शूट कर रहा हूँ और मैंने सेल वाली वीडियो में अलग से डाल दूंगा। ठीक है इमरान भाई? जी बिल्कुल भाई। अभी चलो इंशाल्लाह आपके बड़े बकरे भी दिखा देते हैं, उसकी भी अलग से वीडियो डाल दूंगा। आओ भाई। तो अभी हमने इमरान भाई के बकरों का शूट किया है माशाल्लाह और कुछ बकरे हमने देखे भी यहाँ पे। जी इमरान भाई के बकरों की शूट करी है वीडियो, सेल वाले बकरे भी दिखाए हैं, शौक के भी बकरे दिखाए हैं गुजरी में। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, क्या टाइम हुआ है भाई? 11:30 बजे हैं और ये फार्म है इनका। व्यू बहुत अच्छा है माशाल्लाह, चारों तरफ से जंगल ही जंगल है, जंगल की वाइब है तो जानवर सुकून में रह भी रहे हैं इनके पास। गर्मी नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन हवा वह पेड़ों की काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह हम जंगल में और देखते हैं कुछ और बकरे और फिर हम शाम को, भाई आज शाम को निकलेंगे फिर घर, है ना? ठीक है इंशाल्लाह, फिर आज शाम को घर निकलते हैं। क्यों? सही 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 चीज़ की पिछाड़ी में जी इमरान भाई, ये हमारा ना ब्लॉग चैनल है, ठीक है, इस पर हम मतलब रोज वीडियो डालते हैं डेली के रूटीन की। तो अभी हम बताओ कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अपन चल रहे हैं इंशाल्लाह फागी मालपुरा, मालपुरा अपने यूट्यूबर जो केस एंटरटेनमेंट है कपिल भाई, उनके पास चल रहे हैं अपन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कपिल भाई के पास, केस एंटरटेनमेंट उनका चैनल है, मेरी उनसे कभी कभी बात होती है भाई जी। तो इंशाल्लाह आज उनका भी शुक्र, क्या बकरे खड़े हैं उनके पास? नहीं, उनके मिलने वालों के बकरे हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह उनके पास चलते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर कुछ बकरे मिलते हैं तो। और भाई पानी बहुत बढ़िया आएगा ना, इस चीज़ से पता लग सकता है कि जयपुर की और रुड़की का ना क्लाइमेट कुछ कुछ हद तक सेम है, क्योंकि यहाँ भी बारिश हो रही है। और एक बात और बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके पास जो बकरे अपने रिवर्स मारे आपके वहाँ, यहाँ का क्लाइमेट सेम ही है, बिल्कुल सेम। इस टाइम कितनी गर्मी हो रही है आपको मालूम है? बहुत गर्मी हो रही है। अब जो मेरे कस्टमर बोल रहे हैं इमरान भाई वजन नहीं बढ़ा है, तो भाई कभी बारिश आ रही है, कभी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी भी खासे वजन लेगा बकरा, बकरे की जान बच जाए वही बहुत बड़ी बात है। अभी जो पीछे तूफान आया था ना भाई, हकीकत बताऊँ इतना बुरा हाल था उस तूफान में कि रात को ना जरा सेवा चलती थी और आँख खुल जाती। मेरे यहाँ आस पास के क्षेत्र बता रहा हूँ मैं, कम से कम ज्यादा 2 से 2.5 हज़ार पेड़ तो गिरे हैं बड़े बड़े। और तुम्हारा तो असल में कुछ है ही नहीं ना, पेड़ घर वर है ही नहीं, तो यहाँ तो डायरेक्ट ही हवा है, डायरेक्ट हवा है। खैर अल्लाह का रहम है कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है भाई। देखिए वजन वगैरह का बकरों का ऐसा है, लाइव स्टॉक के ऊपर नीचे होता रहता है, मेरे यहाँ भी होता है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इमरान भाई क्या हो रहा है या किसी और क्या हो रहा है, भाई सब क्या होता है। बकरा अच्छा खासा चल रहा होता है 29 दिन, मैं हमेशा बोलता हूँ 30वें दिन वेट होता है। एक बकरा दिखाया था आपको जो हाँ। आप बोले इमरान भाई थोड़ा नरम दिख रहा है हाँ। उसके कान की जो बहुत बड़ी गांठ आई थी। नहीं मैं सुनो एक बार, 106 kg का बकरा था, अभी 87 दे गया, अब इसमें क्या कर लेंगे बताओ? मैं बता रहा हूँ ना क्या होता है इस प्रकार, 29 दिन बकरे ने खूब खाया, 30वें दिन बकरे को बुखार आया, 1 तारीख को वजन तोला 5 किलो रिवर्स, 5-10 किलो चले जाता है। इसका मतलब थोड़ा ही कि हम लोग 29 दिन नहीं खिलाए बकरे को,
लेकिन हकीकत में देखो कांटे की फार्मेशन ये निकला, सब अपने बकरों को सब खिलाते हैं। हकीकत बात है भाई, हकीकत बात है। तो ये चीज जब लोग अगले साल जो लोग प्लाई पर बकरे डालेंगे तो इस चीज पे खुद ही फोकस करे कि देखिए नसीब का गेम है, अगर अल्लाह ना करे आपके नसीब में नुकसान है, पैसा आपने लगा दिया तो वो होना ही होना है, वो हमारे थ्रू हो या आपके घर पे हो। बकरे ऐसा नहीं है कि फार्म पे ही मरते हैं, घरों पे भी लोगों के बकरे मरते हैं, उतरते हैं वजन में, बहुत कुछ होता है। दो मरे खुद, ये देखिए बैठे भाई, दो बच्चे मरे मेरे, मरे ना हाँ, तो वो मसला वो मैं बताता हूँ ना, ये कभी कभी ऐसा होता है कि बकरा अच्छा अच्छा चलता हुआ खत्म हो जाता है, रुक जाता है। ऐसे बकरे बेचते थे कादिर भाई, तो लोग शिकायत करते हैं भाई बकरे बीमार हो रहे हैं आपके यहाँ के, बीमार होते हैं। फार्म इसलिए किया कि बकरे सेट करके देंगे इंशाल्लाह जिसको भी देंगे, और अपन सेट करके ही बेच रहे हैं बकरे, नहीं बेच ही नहीं रहे। नहीं एक चीज ऐसी भी, ऐसा भी होता है भाई कि बकरा अच्छा खासा चल रहा है, रात रात में बकरे को पता नहीं क्या हुआ और खत्म या बीमार हो गया, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, घर की भी भलाई लेके जाता है। ये हकीकत बात बता रहा हूँ कि जानवर आदमी की घर की भलाई भी लेके जाता है, तो अगर कभी ऐसा कुछ हो तो सबर करा करे कि चलो बकरों पे बीत गई, बच्चों पे आप पे नहीं आई, जानवर अपने पे लेता है, तो इस चीज को इशू ना बनाए। अगर आपका किसी भी फार्मर से दिल नहीं बैठ रहा है कि यार मेरा बकरा ग्रो नहीं कर रहा, हटा दो, हटा दो, सबसे बड़ी बात हटा दो बस। अगर आपको लगता है कि भाई बकरा नहीं ग्रो कर रहा तो हटा दो बस, बात खत्म। बाकी इंशाल्लाह मैं एक बार ना भाई पकड़ू, मैं इनके जरा थोड़ा सा ना कुत्ते वगैरह दिखाऊं। इनके फार्म पर ना माशाल्लाह पूरा चिड़ियाघर है, कबूतर भी है, चिड़िया भी है, कबूतर भी है, ये रहे माशाल्लाह कबूतर, देखिए माशाल्लाह ये कबूतर है, मुर्गियां भी है यहाँ पर और खरगोश भी है। खरगोश दिखाने की कोशिश करते हैं, ये रहा वो बैठा, मुर्गे का कलर भी यूनिक है। तो चलिए और बाकी इंशाल्लाह इनके कबूतर भी दिखाते हैं, हमारी कार खड़ी है। कुत्तों से मुझे डर लगता है तो मैं पास नहीं जाने वाला इनके ज़्यादा। ओए होए, ओए होए, ये क्या है, कुत्तों से सावधान यार, इसका तो दिल आ गया मेरा। ओए होए माशाल्लाह, शेर है भाई, क्या सिस्टम है, बच्चा है इसका, बच्ची का बच्चा ही है, वो जो छोटी लग रहा है सिद्धू नस्ल के, तो ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा ये किस रेट में मिल जाएगा, मेल होगा 15-20 हज़ार रुपये का, और वो अलग है नस्ल, पल जाएंगे घर पे है भाई है? ये पल जाएंगे घर जाएंगे, ये इसका बच्चा है ना, ये आप ले जाओ आपके फार्म के लिए, एक नंबर है, वही सोच रहा हूँ इसका बच्चा है, हस्की का साइबर हस्की है, ये लेबरा है। ये कौन सा संभालता है यहाँ पे, ये छोटा वाला का, अच्छा छोटा भाई। और कबूतर कौन संभालता है, कबूतर अपना शौक है, अच्छा कबूतर आपका शौक है। ये मेल फीमेल है ना, ये दो फीमेल है, अच्छा और बच्चा इनका, इनमें से एक बच्चा बाकी वो सेल कर दिया, अच्छा यार बच्चा तो माशाल्लाह। ओरिजिनल आते हैं कि इसमें भी ओरिजिनल है, ओरिजिनल है अपने बस की, सरकार से पूछो यार दिला दे भाई इसको छोड़ दे, अच्छा अच्छा इसी से भाई से बात होती है मेरी, नहीं नहीं इसको क्या भी, ये खुल गया दो बकरे के, हां हेलो भाई, जी भाई बोलिए, दिल में काम है, हां की थी आपने बात, भाई मेरे ध्यान नहीं है क्या बात हुई थी, एक बार दोबारा बताइए क्या मसला था। अरे वो मसला ये था कि वो बकरा है ना हमारे पास, जी जी रेड कलर का, उसमें कुछ लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है, अच्छा क्या पैसे बताए थे भाई आपने, एक करोड़ रुपए, एक सेकंड ना लाइन पे रहना जरा, मैं भाई से बात कर रहा हूँ, इमरान भाई से ना, वो फोन पे बात कर रहे हैं, ब्रेक पेड जो है ना, ब्रेक वो थोड़ा ब्रेक ऑयल भी इसी वजह से निकला है, ब्रेक काम नहीं करेगा गाड़ी में, उसकी फोटो भेज दी थी आपने मुझे भाई, पूरे मार्केट में यहां ऑर्डर पे दिया उस बाइक को, हां फोटो डाल दो, मैं मेरे साथ ना मैं जयपुर आ रखा हूं, कुछ भाई लोग हैं तो मैं दिखवा देता हूं, ठीक है, लोकेशन क्या है भाई, लोकेशन क्या है, लोकेशन यूपी है भाई, कहां पे, मुझे आईडिया नहीं है, तो बाकी पे जालौन में है, आपका नाम क्या है भाई, भाई समझ लीजिए अपनी गाड़ी कुमार, अच्छा ठीक है, ओके भाई हैं, मुझे फोटो वीडियो डाल लो, मैं भी बात करता हूँ फिर, मैं कर लूँगा भाई फ्री हो गए,
एक करोड़ रुपए का बकरा आ गया तीसरे नंबर पर, दो बकरे हम एक करोड़ के दिखवा चुके हैं आप लोगों को, एक बकरा और आया है एक करोड़ रुपए का। सराफत भाई तुम ले लो, एक करोड़ में एक भाई एक करोड़ रुपए मांग रहे हैं, करवा तुम्हारी बात में ना 50 लाख का कस्टमर भी मिल गया है हमें इमरान भाई जोटवारा, इनके साथ हम जा रहे हैं अभी जंगल में और ये 50 लाख रुपए खर्च करने को तैयार है एक बकरे पे जिसपे अल्लाह लिखा हुआ है। ये जयपुर के बार बार घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं और 18 किलोमीटर है अभी, 18 किलोमीटर भाई साहब। हमें तो मुझे लग रहा है शाम खाली जाने जाने में हो जाएगी आज इसमें। पिछले 3 घंटे से हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम राजस्थान में जब आते हैं ना तो हमें टाइम का जो मैटर रहता है कि एक बकरा दूसरे बकरे से कम कितनी दूर से चल रहे भाई हम, 50 किलोमीटर तो चल रही होगा सुबह से जब से चल रहे हैं, 50 किलोमीटर दूर, यानी कि ये चीजें सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है कि हम एक बकरे को देखने के बाद जब दूसरे बकरे को देखने जा रहे हैं तो दूसरी साइड खड़ा है और इस बीच वो जो रास्ते का सफर होता है ना वो सबसे ज्यादा टाइम वेस्टिंग होता है। इस वजह से ऑनलाइन बकरा अगर सिंगल डबल बकरा खरीदना चाहते हो तो ऑनलाइन खरीद लो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। यहाँ पे जहाँ हम जा रहे हैं पूरा जंगल है, लेकिन यहाँ पूरा जंगल है। ये वीडियो डालना YouTube पे है जी, ये वीडियो डालना तो YouTube पे जो बनाई मैंने, ये बना जो बना लो काफी घंटे से ये व्लॉग ना, ये तो डलेंगे डलेंगे भाई। हम भाई हरिद्वार से यहाँ राजस्थान जयपुर के जंगलों में राजस्थान, और यहाँ सिर्फ बंदा तो कोई दूर दूर दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिख रहा फिर तुम्हें? अच्छा कुछ नहीं जी, मैदान ही मैदान दिखाई दे रहा चारों तरफ। दो मोटरसाइकिल जा रहे हैं, दो मोटरसाइकिल हमें लेके जा रहे हैं ना, हमें लेने लेने के लिए आए स्पेशल दो आदमी। हाँ अयू पता नहीं है हमारे बकरे देंगे या नहीं देंगे, ठेकेदार की मौजर का क्या? ठेकेदार की मौजर तो बेकार होली। देखना भाई लोग, सुबह से 4-5 घंटे सफर करने के बाद हम लोग इस तरीके की जगह पर आए हैं, मजा आ रहा है देखो कसम से मजा आ गया देख के ना। लोकेशन है, लोकेशन बड़ी जबरदस्त है भाई, जंगली चीज माशाल्लाह, मेहनत वसूल है देखो पूरी जंगल। ये देखिए माशाल्लाह व्यू, फुल ऑन जंगल माशाल्लाह, पूरा जंगल है। ये कितने दांत वाले थे, और देखिए माशाल्लाह से गर्मी का टेम्परेचर, मेरे हिसाब से टेम्परेचर हो रहा होगा फिलहाल 40-42 के करीब, चेक करना जरा, 46 का टेम्परेचर है फिलहाल। लेकिन देखो शौकीन जो आता है ना बकरों का, जो शौकीन होता है उसको बकरे दिख जाए ना तो हर प्रॉब्लम उसकी हल हो जाती है, और हकीकत में मुझे बकरे दिख गए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। ये क्या चीज़ का पानी पिलाया आपने, इसके क्या फ़ायदे होते हैं? फायदा यही हजम हो जाता है खाना। अच्छा खाना हजम हो जाता है मेथी का पानी। अच्छा इतनी गर्मी में भी इनको धूप में गर्मी क्यों नहीं लग रही? जानवर है हमारे यहाँ तो इतनी सी बात पर मुंह खोल दे बकरा, जरा सी देर अगर धूप में थोड़ा आ जाए उसको तो इससे पानी भी ज्यादा पीता है, पानी अच्छा पी रहे हैं ना माशाल्लाह। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से भी निकल चुके हैं और यहाँ भी रेट नहीं बने तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने काफी सारे बकरे देखे, अभी देखते हैं क्या होता है, अभी हम और कहीं पे जा रहे हैं बट आप पहले वाइब देखिए बस, कच्चे घर। खैर अभी धूप का थोड़ा सा मामला कम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी धूप ख़त्म हो गई यहाँ पे। और ये देखिए माशाल्लाह क्या वाइब है, परवेज भाई पूरा गांव वाली भाई भारी ना, पुराने ऐसा कि पुराने जमाने में आ गए हूँ मैं, ये तो बहुत पिछड़ा हुआ है जी, नहीं मतलब लग रहा ना कि पुराने वाली वाइब में पहुंच गए, सन 64 की वाइब आ रही है यहाँ पे, कच्चे रोड पक्के लोग, कच्चे रोड पक्के लोग।
अनदर लोकेशन। चिड़िया चीज बकरे कच्चे लोग कच्चे मकान कच्चे 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 पक्के लोग। इसमें क्या रह रहा था भाई? ये 1962 के मकान है जब अंग्रेजी टाइम था। इसमें हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े मियाँ। इसमें क्या रखते हो आप? इसमें क्या रखते हो? ये है वो बड़े मियाँ जब अंग्रेजी टाइम में। इसमें क्या रखते हो? इसमें जानवर बाड़ते हैं। अच्छा जानवर वगैरह के लिए ना ये इन्होंने बाड़े बनाए हुए हैं। देख लो जाके अंदर, देख लो अंदर जाके देख लो। ये देखिए माशाल्लाह। सर्दी नहीं लगती ना इसमें? सर्दी ना लगती। अगर सर्दी में रखो तो नहीं लगती ना सर्दी? मिट्टी के बने हुए हैं सारे ना, रोड भी मिट्टी के। क्या हाल होता होगा यार यहाँ बारिश में, है ना? किसको दूर के। अरे यहाँ पे ना तुम्हें बकरे ऐसी ऐसी जगह देखने को मिल जाएंगे जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते। दिख गया? तबीयत खराब है शायद इसकी ना। सही ना अली ना, देखिए कैसा कैसा मकान है। बकरे वाली वीडियो ना नहीं। देखो कैसे होते हैं यहाँ पे जंगलों में बकरे। क्या हुआ बेटे हैं? चुप बस चुप। बचपन में हम लोगों ने जो कहानियाँ सुनी थी या फिर बचपन में जो लोग हम एक्सपेक्ट करते थे कि इस तरीके के भी लोग थे पुराने ज़माने में, तो यहाँ के ना वही वाइब आ रही है कि हम अब से 50 साल पहले 20 साल पहले 30 साल पहले के लोगों में आ गए हो। बिल्कुल ऐसा ही देखिए मिट्टी वगैरह बिल्कुल सेम, सारी चीज़ें सेम टू सेम। हाँ जी इमरान भाई, इमरान भाई देखना ज़रा कहाँ चल रहे हो? अब इंशाल्लाह जयपुर के लिए वापस। वो केस एंटरटेनमेंट कपिल भाई, क्या ले भैया? बढ़िया चल रहा है। अब कहाँ चल रहे हो भाई? जयपुर ईदगाह अजमेरे बकरों के लिए। अब हम अजमेरे बकरों के लिए जा रहे हैं और मेनली यहाँ पर भी हम लोग बकरों के ही पर्पज से आए थे, बट यहाँ पर उस लेवल के बकरे नहीं बचे, शायद से बकरे जा चुके हैं। मेरी शक्ल तो आप लोग हर बार देखते हो, इस बार तुम जगह के मजे लो, इसलिए मैंने बात अब इस तरीके से करूँगा कि आपको व्लॉग दिखे। हम लोग जा रहे हैं अभी अजमेरे बकरों के लिए। एक बार मैं भाई लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। हाँ जी इधर आ जा बेटा जरा। जी भैया क्या हाल है? बढ़िया शानदार। बहुत बढ़िया, कहाँ घूम रहे हो तुम आजकल? उस्ताद आए हुए। और बताओ आपके? बहुत बढ़िया भाई, कहाँ लेके जा रहे हो? देखो हमें शाम को निकलना है भैया, शाम को निकलेंगे इंशाल्लाह। 5 बकरे ऐसे करा दो। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इसलिए व्लॉग में बोल रहा हूँ ताकि तुम थोड़ा सीरियस लो, जो नेक्स्ट ईयर 150 kg चले जाए, चाहे तो हमें खाली हाथ भेज दो, बाद में दे दो। अभी देखो मैंने जो 4 दिखाए वो कितने का था? जहां बकरे नहीं पल लेते वहां भी पले 150 kg मेरे हाथ के अल्लाह के लिए, अल्लाह ने पलवाए मेरे को। 4 दिखाए वो कितने का था? और इंशाल्लाह जो यार उनकी हाइट नहीं है कपिल भाई, मसला हाइट का थोड़ा। हाइट 39-40 है, वो बकरे समझ में आए, बस हाइट से हम थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं कपिल भाई, वो बुरा मत मानना। बाकी ये कि कपिल भाई मजे जो कहते हैं ना माहौल यहाँ का ना, आने का दुख नहीं हुआ मेनली ना, आने का दुख नहीं हुआ क्योंकि ये चीजें देख के ना पीछे दिल खुश हो गया। चलो भाई अब चलते हैं, अब लेट हो रहे बहुत है। बावंदर है वहाँ चले जाओ। गए थे वहाँ पे? गए थे। ये देखिए कैसी कैसी जगहों पर किस कदर के बकरे हैं बेटे। कितने भाई ये कितने दांत हैं? क्या मालूम मैं देख रहा हूँ। ये गाड़ी आ गई हमारी और अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। चले चलो भाई आ जाओ सराफत भाई। अरे मेवाती बकरों के अंदर ये खासियत है कि वो ना 10-15 किलो फालतू ही दिखते हैं भाई, और गुजरी बकरा हमेशा कम ही दिखेगा। मौसम अच्छा हो रहा है वैसे, फिर भी अगर देखा जाए तो चश्मे की नजर से। कौन बात कर रहा
लट उठो। ये देखो लोग कैसे ये इमरान भाई हम गए 100 किलोमीटर जयपुर से बच्चे देखने के लिए, बकरी देखकर, बकरी बकरी नहीं बकरी अजमेरी जयपुर। अच्छा कुछ नहीं मिला वहां, 4 बच्चे मिले। मैं भी सोच रहे अरे वो कुंचे वाली बात बताओ। अरे ये तो भाई साथ घूमते फिर एक सौ बस अपना बच्चे योग की नहीं कुंचा बताओ अंडा मारी का ये देखो आप लेना कुछ नहीं को कर दो देना कुछ नहीं यहाँ फिर रहे 400-500 किलोमीटर तक के करते। सबर तो रखो चाचा, सबर तो रखो। तो फाइनली हमारी आज की ट्रिप खत्म, जयपुर का आज का व्लॉग एंड है और इंशाल्लाह अपन अब आएंगे 10-15 दिन के बाद बकरे निकालने के बाद ना छोटे बच्चों के लिए, और इनकी वीडियो सेल वाली इंशाल्लाह आप लोगों को 2-3 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। तो जितने भी भाई हो अपना जो भी बकरे वगैरह खरीदना चाहते हो तो भाई से ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच इमरान भाई आज के लिए, ठीक है इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जल्दी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।